दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एल्ट कॉइन का जिनका प्राइस अभी तो बहुत ज़्यादा लो है, पर बुल मार्केट के लिए आप उसमें अपनी बाइंग करके होल्ड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ARV, उसके बाद से सुई टोकन और तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्पेस IDE। ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट स्ट्रांग है, मैं इनका फंडामेंटल भी आपको बताऊंगा और अभी इसके चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अभी अगर इस जोन में हम अपनी बाइंग करते हैं तो क्या कुछ हमें जो यहाँ से टारगेट है वो देखने को मिल सकते हैं इन तीनों का। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे हम ARV की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.87 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैप 1 बिलियन के ऊपर है, अभी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन स्ट्रांग है इसका। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 123 मिलियन है, ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी कम है। सप्लाई की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको 1 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है, टोटल सप्लाई 10 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम सप्लाई इसकी बढ़ती रहेगी। अगर हम इसके लिस्टिंग की बात करें, बहुत सारे एक्सचेंज पे ये लिस्ट है, और अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो ये एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जिसका यूज़ केस आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। इथेरियम के बाद इसका जो यूज़ केस आता है, तो आप इस उम्मीद पे कि लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे इसका यूज़ केस बढ़ेगा, इसका प्राइस ग्रो करेगा, आप यहाँ अपनी बाइंग कर सकते हैं। अब बाइंग के एंगल से अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो आपका जो यहाँ एंट्री जोन होगा, पहले देखें हमने कहाँ पे बाइंग करी थी अपनी इस जोन में 0.73 के जोन में, तो आपने वेट करना है कि अगर आपको ये दोबारा से मिलता है 0.73 के जोन में तो आपने यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है। आपके अगर हम टारगेट की बात करें तो $1 का होगा, 1.3 का होगा, 1.7 का होगा। मतलब देखिए, अगर हम यहाँ पे छोटे लेवल के भी अपने टारगेट की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ आपको जो ग्रोथ है देखने को मिल सकता है इसके प्राइस में। अभी देखिए, यहाँ हम एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके और डाउन साइड में मूवमेंट दे रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर हम यहाँ अपने स्पोर्ट जोन की बात करें तो ये वापस से वही जोन हो सकता है जहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी। तो आप वेट कर सकते हैं इस लेवल का, या फिर आप 0.75 के रेंज में भी अपनी पार्शियल एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको इसके नीचे मिलता है तो आप मैक्स टू मैक्स अपनी इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, पर अगर आप यहाँ पे 2x या 5x का रिटर्न चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा लंबा यहाँ इसको होल्ड करना पड़ सकता है। अब अगर यहाँ पे हम सुई टोकन की बात करें तो सुई टोकन का करंट प्राइस आपको 0.43 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 378 मिलियन की है, 24 आवर में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कोई खास नहीं है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 860 मिलियन देखने को मिलता है, टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है यहाँ पे। तो सप्लाई फिक्स होने की वजह से जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसका जो प्राइस है वो ग्रो करेगा। सुई टोकन का अपना एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, तो आपको पता है जिस हिसाब से रेगुलेशन की चीज़ें आ रही हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हाइक होगा या फिर जब से वेब 3.0 का ट्रेंड आएगा उसके बाद से भी जितने हमारे डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है वो अच्छा ग्रोथ अपना दे सकते हैं। ये विजन लेके आप सुई में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाइंग आपकी होगी 0.40 के नीचे, इसके नीचे आपको कोई भी अगर बाइंग रेंज मिलता है, मतलब 0.35 मिलता है, 0.38 मिलता है, तो आप यहाँ पे अपनी एक जो पार्शियल एंट्री है वो ले सकते हैं। अभी अगर इसके एक्सचेंज की बात करें, बहुत सारे एक्सचेंज पे ये लिस्ट है। अब अगर इसके हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप सुई का चार्ट देख सकते हैं कि अभी जो इसका प्राइस है वो जैसे जैसे हर मंथ इसके टोकन अनलॉक होते हैं तो एक पीक रेंज में जाता है, फिर आपको डंपिंग देखने को मिलती है। अब क्या है, हम एक बॉटम से बॉटम जोन लगा रहे हैं और ये आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको जो इसका प्राइस है वो यहाँ तक आता हुआ देखने को मिल सकता है, 0.37 के रेंज तक। तो अगर हम इस लेवल तक भी आते हैं ना तो आपने बाइंग करनी है, आपने कोशिश करना है कि मैक्स से मैक्स आपको बॉटम मिले। जैसे ही हम अपने इस लेवल को ब्रेक कर देंगे जो कि आपको 0.42 से लेके और 0.41 का देखने को मिलता है, आपको ये वाला बॉटम कन्फर्म हो जाएगा। अभी भी हम बुलिश नहीं हुए तो स्टिल आप क्या कर सकते हैं कि 0.42 पे आप अपनी एक पार्शियल एंट्री ले लें और मैक्सिमम एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम आपके टारगेट की बात करें तो आपका टारगेट होगा 0.53 का, उसके बाद से 0.7 का, 0.9 तक का अपना जो आप टारगेट है वो रख सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट रिकवर होगा वैसे वैसे आपको इसके जो प्राइस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे हम स्पेस आईडी की बात करें तो स्पेस आईडी एक वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है और जब से ये लिस्ट हुआ है तब से इसमें आपको अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिली है। ये अपने बॉटम जोन में है और जो भी मैंने आपको ये तीनों प्रोजेक्ट बताए ये अपने बॉटम मतलब लोअर से लोअर जोन में है। आप यहाँ पे अपनी एक जो पार्शियल एंट्री है, इसके हम करंट प्राइस की बात करें ये आपको 0.19 के रेंज में देखने को मिलता है, माइनर सा डाउनफॉल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी बहुत कम है, 75 मिलियन का है,
24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कोई खास नहीं है, सिर्फ आपको 7 मिलियन के देखने को मिलती है। पर जैसे जैसे वेब 3.0 का ट्रेंड आएगा, इसके प्राइस में भी आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको 393 मिलियन देखने को मिलती है, टोटल सप्लाई आपको 1,900,000,000 के ऊपर देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पे इसके मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो ये आपको 2 बिलियन देखने को मिलता है। मतलब जितनी इसकी मैक्सिमम सप्लाई है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर ली गई है कि कहाँ कहाँ कितना कितना यूज़ होगा। अगर हम इसके एक्सचेंज की बात करें तो अभी की डेट में बहुत सारे एक्सचेंज पे ये लिस्ट है जहाँ से आप मर्जी बाइंग कर सकते हैं। अब अगर इसके हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है, और इस रेंज बाउंड मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे 0.185 के रेंज में, तो यहाँ पे एक अपनी आप पार्शियल एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ से हम बाउंस करेंगे इस लेवल तक जाएंगे तो आप यहाँ अपना एग्जिट ले सकते हैं। फाइनल आपकी जो एंट्री होगी वो होगी जब इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा, तो आप इसको बाय कर सकते हैं जब इसका प्राइस मिलेगा 0.16 के रेंज में या 0.15 के रेंज में। आपकी पहली एंट्री के लिए ये जोन होगा। जिन लोगों के पास भी देखिए कैपिटल ज़्यादा है और वो DCA कर सकते हैं, वो अभी के डेट में भी इन तीनों कॉइन्स में अपनी एक एक बाइंग कर सकते हैं, सेफ रहेगा और अच्छा आपको रिटर्न भी दे देगा। पर आपने कैपिटल रखना है दोबारा DCA करने के लिए। तो होप आपके ये तीनों कॉइन्स का यूज़ केस भी समझ आ गया होगा, चार्ट पैटर्न भी समझ आ गया होगा। आपको अगर मन करे अपने यहाँ पे आप लोग रिसर्च करके इनमें अपनी बाइंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।